इस उम्र में 47 में 48 में आपने सर्टिफिकेशंस करी हैं, कांस्टेंट लेवल पे आके ही मतलब वर्कआउट करते चले जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई जा रही है, एजुकेशन हो जाती है, एक्सपीरियंस होता है और आपने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी होती है। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग ऐसे इस एज के लोग बाहर निकले और सर्टिफिकेशंस करें और लोगों को सिखाएं, क्योंकि ये एज के लोग ज्यादा अच्छी तरह से सिखा सकते हैं लोगों को। जो फीमेल्स को टैबू रहता है कि हम जिम नहीं जाएंगे, कैल्शियम की कमी मिलेगी, तो मसल हाइपरट्रॉफी जब होगी तो ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस होगा। ये वुमेन के लिए ये माई टाइम कितना जरूरी होता है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा भी बहुत वेस्ट। सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है सबके। हाय गाइस, माय नेम इज संगीता शास्त्री, मैं जिम ओनर हूँ। मेरे जिम का नाम ट्रांस फिटनेस है, जिसकी एक ब्रांच दिलशाद गार्डन और दूसरी ब्रांच अशोक विहार में है। हाय गाइस, दिस इज अखिल सचोर एंड वेलकम टू जिम विकी। तो आज हम ट्रांस फिटनेस आए हैं और आपने उनकी सारी स्टोरी सुनी ली है जो हमारे ओनर सामने बैठे हैं। हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो पहले ये बताओ आप मुझे एक क्वेश्चन कि एट द एज ऑफ 48 आपको मतलब क्या हुआ, क्यों आपने ऐसा करा कि इस उम्र में 47 में 48 में आपने सर्टिफिकेशंस करी है, योगा की सर्टिफिकेशन हो गई या K11 का सर्टिफिकेशन हो गया, मतलब क्या था आपका थॉट प्रोसेस, आपको क्या करना था? वो जब मैं जिम जाती थी, कहीं पर भी जब भी मैंने जिम ज्वाइन करा तो मुझे वर्कआउट में ना एक सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिलता था, मतलब ऐसा लगता था कि हम ना एक कांस्टेंट लेवल पे आके ही मतलब वर्कआउट करते चले जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई जा रही, या एज को देखकर नहीं वर्कआउट कराया जाता है। और जिनको भी मैं देखती थी, जो ट्रेनर होते थे जहाँ हम जाते थे जिम में, तो मैं देखती थी कि वो बहुत ही उनकी क्वालिफिकेशन जो थी बेसिक क्वालिफिकेशन 10th या 12th, मतलब मुश्किल से बस इतना पढ़े लिखे लड़के होते थे, या उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, वो एक गुरुजी शिष्य वाला जो सिस्टम चलता था कि कोई वर्कआउट के बारे में कोई ध्यान से नहीं देखना या बताना। और स्पेशली जो मेरे जैसी जो फीमेल्स होती थी, जो मिडिल एज की जो आती थी जिम्स के अंदर, तो उनके ऊपर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता था। आपने ये सोचा कि आप बहुत ही इग्नोर नेग्लेक्टेड सा फील करते थे, ऐसा लगता था हम अपना इतना कीमती टाइम निकाल के जिम में जा रहे हैं और हमारे को वर्कआउट ठीक से नहीं कराया जा रहा। तो मतलब यार ये होता ना कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जो आपकी एज है 48 ईयर्स, मैं चाहता हूँ कि लोग इस तरह की वुमेन बाहर निकले, अपने आप को एजुकेट करे ताकि वो लोगों को एजुकेट करे, क्योंकि ये आप लोगों का क्या होता है, एक एजुकेशन हो जाती है, एक एक्सपीरियंस होता है और आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग ऐसे इस एज के लोग बाहर निकलें और सर्टिफिकेशंस करें और लोगों को सिखाएं, क्योंकि ये एज के लोग ज़्यादा अच्छी तरह से सिखा सकते हैं लोगों को, बच्चों को सिखा सकते हैं। राय साहब ने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से सिखाया। बिल्कुल, जिमिंग करते करते मतलब मेरा एक ड्रीम बन गया था कि मुझे अपना जिम एक खोलना है जहाँ पे सारे जो भी मैं ट्रेनर रखूँगी या जो भी मेरी टीम होगी वो सारे के सारे सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे। तो उससे पहले मुझे अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मेरे को लगा कि पहले अगर जब तक मैं स्टडी नहीं करूँगी, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं दूसरों को कैसे चेक कर पाऊँगी कि वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ठीक से नॉलेज दे रहे हैं लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को ही पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगी। तो फिर सबसे पहले मैंने योगा किया। योगा करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कंप्लीट हूँ फिटनेस को लेके, या मैं वर्कआउट पूरी तरह से करा सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे पर्सनल वेट ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फिर मैं K11 एकेडमी गई। K11 एकेडमी ज्वाइन करने के बाद में मेरे मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा और मुझे लगा कि हाँ, अब मैं अपना कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ। अच्छा, आप मुझे अब ये बताइए, वर्कआउट से हम ट्रेनिंग से अपनी एजिंग पे कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे उसको वापस लेके आ सकते हैं, कैसे यंग दिख सकते हैं? और एक होता है बोन डेंसिटी, जो वुमेन के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसपे ज़्यादातर लोग ध्यान देते नहीं है, फिर बाद में कैल्शियम की कमी होती है, आपकी बोन्स खराब हो जाती है। जब हम K11 एकेडमी जब मैंने ज्वाइन करी तो वहाँ जाके बहुत सारे मिथ्स मेरे क्लियर हुए। जो फीमेल्स को टैबू रहता है कि हम जिम नहीं जाएंगे, जिम जाएंगे तो हमसे वेट उठवाया जाएगा या हमें मसल्स तो बिल्ड करनी नहीं है लड़कों की तरह, मतलब उनको ये गलत फहमियाँ थी बहुत ज़्यादा। जबकि फीमेल्स के लिए वेट ट्रेनिंग जो है और एक बिग टूल है फैट लॉस के लिए भी, और दूसरा उनकी जो ऑस्टियोपोरोसिस की एजिंग के साथ में जो प्रॉब्लम आती है, या बोन डेंसिटी कहें जिसे कम हो जाती है, या कैल्शियम की कमी रहती है, या इंडिया में तो 90% आप लोगों को देखेंगे कि विटामिन डी की कमी मिलेगी या कैल्शियम की कमी मिलेगी। तो धीरे धीरे एजिंग के साथ में क्या होता है कि वो जरा सा भी कहीं गिरी नहीं अगर कोई फीमेल, तो उसको
फ्रैक्चर हो जाता है बॉडी के अंदर. ये खुद मैंने अपनी बड़ी सिस्टर के अंदर भी देखा. तो वो जरा सा गिर जाती है, उनको चोट लगी और बस उनकी बोन जो है फ्रैक्चर हो जाती है. ये मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि तो ये प्रॉब्लम्स जो है दादी के साथ भी ऐसे हुआ. हाँ, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वेट ट्रेनिंग के साथ में बल्कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, दूर होगी. एजिंग को आप अपने से 10 साल 5 साल पीछे धकेल सकते हैं वेट ट्रेनिंग से. ओके. अब हमारे यू नो सोसाइटी में वुमन के अंदर बहुत सारे मिथ है. yes. और उस मिथ को कोई क्लियर करता नहीं है. और प्लस उनके साथ जो उनके मेल कंपेनियंस होते हैं, मोस्टली मैं उन 1% की बात नहीं कर रहा हूँ या 2% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन 98% लोगों की जो हमारे इंडिया में आते हैं, जो नीचे के वर्ग के लोग होते हैं. ठीक है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे और ये मिथ हम कैसे क्लियर कर सकते हैं और क्या क्या मिथ्स हैं? मिथ्स तो यही है, जैसे फीमेल्स को लगता है कि हम जिम जाएंगे तो हमसे वेट उठवाया जाएगा या हमारी मसल बन जाएगी बॉडी में और हम बल्कि दिखेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. वेट ट्रेनिंग उनको फैट लॉस में बहुत हेल्प करती है, जो कि एक्चुअल में हमें वेट लॉस ना करके हमें फैट लॉस की तरफ जाना चाहिए. वेट लॉस नहीं करके, वेट लॉस ना करके हमें फैट लॉस करना चाहिए. हाँ, दोनों में डिफरेंस है. वेट लॉस हमें इस तरह से नहीं कराना कि हाँ हम आपको 3 महीने में रिजल्ट दे दें या 2 महीने में हम आपको फटाफट रिजल्ट दे दें, आपका वाटर लॉस कम हो जाए बॉडी का या आपका मसल लॉस हो जाए. मुझे वो नहीं करना, मुझे धीरे धीरे आपका वेट कम कराना है. और उस वेट कम कराने के लिए आपका फैट लॉस पे हम काम करेंगे. फैट लॉस कैसे होगा आपका? जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी मसल हाइपरट्रॉफी होती है, और जब मसल का साइज जो बढ़ाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग के थ्रू ही आप बढ़ा सकते हैं. तो मसल हाइपरट्रॉफी जब होगी तो ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस होगा, क्योंकि मसल का साइज इंक्रीज होगा. जब मसल का साइज इंक्रीज होगा तो फैट लॉस ऑटोमेटिकली होगा. तो एक्चुअल में हमें वही करना है, बॉडी आपकी टोन होगी, आप शेप में आएंगे. अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि वर्कआउट में न्यूट्रिशन कितना जरूरी है? एज एन आपने सर्टिफिकेशन करी हुई है तो आपको वहाँ पे सिखाया गया होगा कि न्यूट्रिशन पार्ट कितना जरूरी होता है और ट्रेनिंग पार्ट कितना जरूरी होता है, और सप्लीमेंट्स क्या सप्लीमेंट जरूरी है या नहीं है, और किस एज में हमारे को वो सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी चाहिए. ऐसे है, जो हम वर्कआउट करते हैं वो हमें हार्ड वर्कआउट नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्कआउट करना है. तो वर्कआउट का जो रोल है मेरी बॉडी को फिट रखने के लिए और शेप में रखने के लिए, वर्कआउट का तो केवल 30% रोल है. 70% जो है मेरा न्यूट्रिशन या डाइट कह लें आप उसको, उसका रोल है. okay. तो सबसे ज़्यादा तो आपको न्यूट्रिशन पे ही ध्यान देना है. फीमेल्स जनरली घर में क्या करती हैं कि बच्चों की प्लेट में खाना बच गया वो खा लिया, हस्बैंड का खाना बच गया प्लेट का वो खा लिया, या घर में थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बन गया वो खा लिया. तो वो अपने आप को ऐसे इस तरह से रखती हैं कि घर में कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए. और तो खा लिया. और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप उन 98% इंडियंस के अंदर आते हो आप जरूर ये सब कर रहे होंगे. बिल्कुल. तो हम लोगों को लगता है फीमेल्स को कि वेस्ट नहीं जाना चाहिए खाना. तो वो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आप अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को या फैमिली के बाकी मेंबर्स को प्रायोरिटी देते हो तो अपने आप को भी प्रायोरिटी दो. अगर आप खुद फिट हो, खुद हेल्दी हो, तभी तो आप दूसरे लोगों को घर में ध्यान रख पाओगे. तो मेन पिलर तो घर का आप ही हो. तो न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखें, क्योंकि 70% जो है उसी का रोल है. तो और सप्लीमेंटेशन का जो आपने बोला प्रोटीन. हाँ, तो प्रोटीन को लेके भी बहुत मिथ है लोगों को. उनको लगता है कि प्रोटीन हमें अलग से एक्स्ट्रा नहीं लेना, लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो प्रोटीन तो आपकी प्रायोरिटी है, वो आपको लेना मस्ट है. चाहे वो आप नेचुरल डाइट के थ्रू लो, चाहे आप वो प्रोटीन जो पाउडर आता है वे प्रोटीन वो आप ले सकते हैं. तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है. जिस तरह से दीवारों में जैसे दरारें आ जाती हैं तो उसको भरने के लिए हमें सीमेंट चाहिए. सीमेंट जब तक अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, दीवारों में दरारें ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी और वो डैमेज हो जाएगी. सेम हमारी बॉडी का है, अगर हम मसल वेट ट्रेनिंग करेंगे, मसल हमारी अगर डैमेज होगी तो उसको हील करने के लिए मुझे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए. तो उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको प्रोटीन नहीं लेना, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है. आप उसको नेचुरल डाइट के थ्रू अगर पूरा ले सकते हो तो उसको नेचुरल डाइट के थ्रू लो, या उसको अच्छा, आप एक्स्ट्रा पाउडर में भी ले सकते हैं. अच्छा, अब ये बताओ कितना प्रोटीन जरूरी होता है एक वुमेन के लिए, एक यू नो एक वेट के हिसाब से? अगर हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जितना आपका बॉडी का वेट है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अच्छी वेट ट्रेनिंग करते हैं, हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो into 2, अदरवाइज जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको लेना ही लेना. चलो हम एक एग्जांपल काउंट कर लेते हैं. सपोज एक लड़की 50 किलो की है, 50 केजीज की, तो उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो? अगर देखो, अगर वो अच्छी वेट ट्रेनिंग करती है या इंटरमीडिएट लेवल पे कर रही है तो उसको 70 से 80 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए. तो उसके वो अपने अगर एक साथ इतना प्रोटीन नहीं ले सकते हो तो आप उसको
तीन मील में डिवाइड करके भी ले सकते हो। अब मुझे ये बताओ औरतों के लिए, वुमेन के लिए ये माई टाइम कितना ज़रूरी होता है कि अपने लिए टाइम निकालना, अपनी लाइफ के लिए कुछ ऐसा करना कि आप अपने आप को खुश रख सको। वो क्योंकि मैंने देखा है कि जितनी वुमेन होती हैं वो ज़्यादा डिप्रेस रहती है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया गया है कि आप अपने खाने पर ध्यान नहीं देते हो वुमेन, और ज़्यादा डिप्रेशन में एक वुमेन आती है, तो वो अपना टाइम कितना ज़रूरी है एक वुमेन के लिए? देखो, हम फीमेल्स के अंदर ना क्या होता है कि हम अपनी फैमिली में, अपने काम को लेके, बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके इतना ज़्यादा अंदर तक घुस जाते हैं कि हम अपने आप को उससे अलग करके देख ही नहीं पाते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो मैं भी अभी कुछ साल पहले तक मेरा भी यही हाल था कि लाइफ तो ये तो एक सर्कल है, घर के काम आप 24 आवर्स भी अगर करते रहेंगे वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। सफाई कर रहे हैं या हम खाना बना रहे हैं, ये तो नॉन स्टॉप काम है आपका। अगर आपने आज सफाई कहीं की कर दी तो अगले दिन को आपको कहीं और करनी है, तीसरे दिन कहीं और करनी है, तो ये सर्कल तो चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से अगर मैं सोचूं अपने लिए, आगे फ्यूचर के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, वो हम सोचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का ये है कि अगर मैं जिस तरह से पैसे को मान के चलती हूँ कि फाइनेंशियली अगर मुझे स्ट्रांग होना है तो हेल्थ मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले। मैं हेल्थ के लिए एक घंटा इन्वेस्ट करूँ अपने लिए, पैसे के बजाय मैं अपने टाइम को बाहर उसको इन्वेस्ट करूँ, चाहे मैं उसको वर्कआउट करूं जिम में जाके, चाहे पार्क में जाके कुछ करूं, मतलब एक्सरसाइज मुझे करनी ही करनी है। अगर मेरी हेल्थ फिट रहेगी तो मुझे शायद उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में डॉक्टर के पास जाने के लिए। ओके, आप मुझे आप ये बताओ कि डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर वर्कआउट करके अपने आप को हेल्दी करके डॉक्टर के पास ना जाना ज़्यादा अच्छा होता है? देखो, मेरा अगर हम कैलकुलेट करेंगे यार, हम वर्क जिम में इतने पैसे दे रहे हैं और डॉक्टर को इतने पैसे दे रहे हैं, तो किस में ज़्यादा फायदा लगता है आपको? मेरा मानना यह है घर पे बैठ के बीमारी मोल लेने से ज़्यादा अच्छा है जिम में जाके इंजरी ले लो। जब जिम में जाके हम इंजरी लेंगे ना उसको हम क्योर कर सकते हैं, और जो घर पे बैठ के जो बीमारी आएगी उसे आप ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा भी बहुत वेस्ट। चलो मुझे अब ये बताओ आपकी जिम की मेंबरशिप कितनी है, और जिम की मेंबरशिप से पहले आपने कितना पैसा अपने डॉक्टर को दिया था अपनी हेल्थ ठीक कराने के लिए? उस पे आप कंपेयर करो मुझे एक बार। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। मैं वैसे शुरू से ही, मतलब हेल्थ फ्रीक तो मैं शुरू से रही हूँ। मैं जिम शुरू करने से पहले मैं वॉक करती थी, तो एज सच मुझे मेडिकल कोई इश्यूज हुए नहीं कि हाँ मेरी मतलब प्रॉब्लम हुई मुझे। लेकिन हाँ, 2014 में मेरे को नी पेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और दूसरा फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैंने जिम जाना नहीं छोड़ा था। तब भी मैं अपने ट्रेनर को बोलती थी कि मुझे चाहे बेशक वेट ट्रेनिंग मत कराओ, फ्लोर एक्सरसाइज कराओ, क्योंकि ऐसा लगता था कि आधी बॉडी तो मेरी खराब हो गई, लेकिन मुझे दोबारा से स्ट्रेंथ गेन करनी थी, दोबारा से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी थी, और मुझे वर्कआउट नहीं छोड़ना था। अगर हम आपके हस्बैंड की बात करें तो कितना पैसा सेव कर सकते थे अगर वो स्टार्टिंग से जिम करते तो, या फिर स्टार्टिंग से आप अपने अपनी हेल्थ के बारे में सोचते थे? देखो, रूटीन चेकअप तो चलता ही है इसमें, है ना, टेस्ट वगैरह भी होते हैं, डॉक्टर के पास भी हम रूटीन चेकअप तो करवाते ही हैं, लेकिन टचवुड इतने सालों में अभी तक कोई भी मेजर इश्यूज या कोई इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हुई नहीं है जिस तरह से डॉक्टर बताते हैं। वो अपने डायबिटीज को सेव कर सकते थे, मतलब वो डायबिटिक नहीं होते, वो कंट्रोल करते। डायबिटिक बीमारी ऐसी है कि ये क्योरेबल नहीं है, है ना, लेकिन आप इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि अगर हम 15-16 साल हो गए उनको डायबिटीज को लेके, कोई टचवुड अगर मेजर इशू नहीं हुआ है, कंट्रोल में तो है, एटलीस्ट रूटीन चेकअप तो करवाना ही है, टेस्ट भी होने ही है, डॉक्टर के पास भी जाना ही है, वो सब तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब हम जाते आते आपसे ये पूछते हैं कि आपका एम क्या है, आपका लाइफ में एम क्या है और आपका विजन क्या है, कि यू नो, और आपका क्या बिलीफ है जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हो कि वो लाइफ में अपने वो चीज़ करें टू बी सक्सेसफुल। जैसे आप आज एक दो जिम की ओनर हो, आप बहुत सक्सेसफुल हो, ठीक है, आपने अपने घर पे आपने बच्चों को अच्छे से संभाल के रखा है, वो बहुत सक्सेसफुल है, तो आपका क्या विजन है और आप क्या बताना चाहते हैं हमारे ऑडियंस जिसको हमारे, आप बताइए वहाँ देखिए। देखो, सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, है ना। तो मेरी जो जर्नी रही, मैंने जो सोचा आकर कि मुझे लगा एक एज पर आके कि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हस्बैंड का भी बिजनेस अपने हिसाब से उनका ठीक ही चल रहा है, तो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन मैं भी कुछ करूँ, जैसे मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ सोशली अब आगे कुछ करना चाहिए। जैसे फीमेल्स को लेके ही सबसे ज़्यादा मेरे मन में आता था कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा इग्नोर करती हैं या ध्यान नहीं देती हैं, तो मुझे मेरा मेन मकसद था कि फीमेल्स को एजुकेट करना, उनके मिथ्स दूर करना, और उनको एक जो मैंने झेला था जिम्स के अंदर कि हाँ, मतलब फीमेल्स को जो सही से ट्रेनिंग नहीं कराते या इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तो मुझे था कि मैं जब अपना जिम बनाऊँगी या कुछ इस तरह से जब भी कुछ स्टार्ट करूँगी
करूँगी तो फीमेल्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी, कम से कम उन्हें तो एजुकेट करना ही करना है। और दूसरा मैं सोशली भी चाहती थी और दूसरा अपने हस्बैंड के लिए भी सोचती थी कि उन्होंने इतना किया मेरे लिए तो फाइनेंशियली भी मैं उनको सपोर्ट करूँ, बच्चे पालने में, घर चलाने में उनकी हेल्प करी, लेकिन फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं मैं उनको सपोर्ट करूँ। ओके, तो मेरे दोनों मकसद इसमें सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, मुझे ये बताइए हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। देखो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से मैंने अपने परिवार को टाइम दिया या जिस डेडिकेशन के साथ अपने बच्चे पाले या अपनी फैमिली का ध्यान रखा या हस्बैंड का ध्यान रखा, मैं सेम वही जो मैंने अपना फैमिली में अपने घर पर जो जिस तरह से चीज़ें करी, मैं वही चीज़ें अपने जिम के लिए भी अप्लाई करती हूँ। ओके, उसी डेडिकेशन के साथ उतना ही 100% देती हूँ, उतना ही दिल से काम करती हूँ, अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह मान के चलती हूँ। तो जितना मैंने अपनी उस फैमिली को टाइम दिया और डेडिकेशन के साथ काम किया, उतना ही टाइम, प्यार और डेडिकेशन मैं अपने इस जिम को देती हूँ। तो गाइस हर वीडियो के एंड में मैं यही बोलता हूँ, बी कलरफुल, बी ऑनेस्ट एंड बी फिट। लिव योर लाइफ, लिव योर पैशन। गाइस दिस इज योर ओनली लाइफ, बाहर निकलो, अपने आप को फिट रखो और जियो अपनी जिंदगी। थैंक यू। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर भी करें और हमारा जिम ज्वाइन करें। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज डू कमेंट। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो आपको यू नो लाइफ में बताएंगे कि यार कैसे जीनी चाहिए लाइफ और कैसे सक्सेसफुल होना चाहिए लाइफ में। थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर और प्लीज अपना ख्याल रखें।